हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेशन। आज है 8 सितंबर 2019 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है इसरो साइंटिस्ट वर्क टू डिकोड चंद्रयान 2 लैंड फेलियर। अब चंद्रयान 2 का जो लैंडर है वो मून पे लैंड करने वाला था बट एन मौके पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लैंडर का कनेक्शन ऑर्बिटर से और अर्थ से टूट गया और जिसके कारण ये जो लैंडर किस तरह से लैंड किया है सरफेस पे मून के या नहीं किया है इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है। अब कोशिश की जा रही है कि इसका जो एक्चुअल रीज़न है वो ढूंढा जाए इसरो के द्वारा। और इसरो के चेयरमैन के द्वारा ऐसा बोला गया है कि जो हॉरिजॉन्टल स्पीड थोड़े टाइम के लिए कम करनी थी सो दैट लैंडर अच्छे से लैंड कर सके मून के सरफेस पर, वो स्पीड कम होने की बजाय मे बी बढ़ गई होगी और जिसके कारण एक्सेलरेशन लैंडर के बढ़ने के कारण ये अच्छे से प्रॉपरली आउट ऑफ कवरेज में चले गया और वो जो कनेक्शन था कम्युनिकेशन था वो लिंक ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर रीज़न बताया जा रहा है हॉरिजॉन्टल स्पीड लैंडर की बढ़ने के कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, ये एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न हो सकता है ओरिएंटेशन या एल्टीट्यूड का भी। तो क्या प्रॉपर रीज़न है इसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। करीब 2 किलोमीटर के ऊपर, जो चंद्रमा के सर्फेस के 2 किलोमीटर ऊपर था लैंडर, उस समय ये प्रॉब्लम हुई और कम्युनिकेशन टूट गया जिसके कारण से मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हालाँकि इस मिशन को 90-95% सक्सेसफुल माना जा सकता है बिकॉज इसका जो पहला लेग था या पहला पार्ट था ऑर्बिटर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, चंद्रमा के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहा है। तो इस ऑर्बिटर की जो लाइफ थी पहले 1 साल डिसाइड की गई थी इसरो के द्वारा। अब चूंकि अगर लैंडर नहीं मिलता है या लैंडर को ट्रेस आउट नहीं कर पाते हैं साइंटिस्ट, तो उस केस में अगर लैंडर से ऑर्बिटर का प्रॉपर कनेक्शन नहीं होगा तो जो फ्यूल है ऑर्बिटर का वो सेव होगा और उस केस में ऑर्बिटर की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है और इसकी लाइफ 1 साल से 7.5 साल तक बढ़ सकती है। तो ऐसा कहना है इसरो के चेयरमैन का, इसरो के साइंटिस्ट का। और इस ऑर्बिटर की लाइफ अगर 7.5 साल बढ़ा दी जाएगी तो इसके बाद काफ़ी नए एक्सप्लोरेशन मिशन भी ऐड किए जा सकते हैं इस चंद्रमा पे भेजे गए मिशन चंद्रयान 2 के द्वारा, जो यहाँ पर पीएम के द्वारा भी कंसोल किया गया इसरो के चेयरमैन को। और एक तरह से जितनी सफलता इसरो को मिली है इस पूरे मिशन में, अभी तक का सबसे टफ मिशन माना जा रहा था बिकॉज मून की सरफेस पे लैंडिंग करवाना इंडिया के लिए पहली बार था और सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी 3 कंट्रीज़ करवाई जा चुकी हैं और अगर प्रॉपरली सक्सेसफुली ये लैंडिंग हो जाती है तो इंडिया 4th कंट्री बन जाता, सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाले देशों में इंडिया भी शामिल हो जाता। बट ये लैंडिंग अभी तक प्रॉपर नहीं हो पाई है। बट ये जो पूरा मिशन किया गया इसरो के द्वारा ये काफ़ी बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी और अच्छे और बड़े एफर्ट्स के बाद किया गया और इस कारण से इसको पूरी तरीके से फेल नहीं माना जा सकता। आज की दूसरी न्यूज़ है पाकिस्तान डिनाइज यूज़ ऑफ एयर स्पेस टू कोविंद फॉर आइसलैंड विजिट। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी की आइसलैंड कंट्री के लिए विजिट होने वाली है और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया गया था कि इस विजिट के लिए, प्रेसिडेंट की इस विजिट के लिए आइसलैंड की जो स्पेस है एयर स्पेस है पाकिस्तान का वो ओपन कर दिया जाए और जो प्रेसिडेंट का एरोप्लेन है उसको पास करने का परमिशन दिया जाए पाकिस्तान के द्वारा। बट पाकिस्तान के द्वारा इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया गया है और पाकिस्तान ने यह काम करने से मना कर दिया है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जब फ्रांस के लिए विजिट हुई थी उस समय पाकिस्तान के द्वारा एयर स्पेस खोल दिया गया था बट अब रिसेंट सिनेरियो में पाकिस्तान को ये लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी बहाने से इंडिया को ये जताया जाए और अपनी जो रिलक्टेंस है अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग टेररिज्म पे या कश्मीर में जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर, तो पाकिस्तान किसी ना किसी टूल का यूज़ करके इंडिया को ये बताना चाहता है कि उसके द्वारा की गई कार्रवाई गलत। यहाँ पर एक खबर है इन अनसर्टेन टाइम्स श्रीनगर स्कूल गिव्स वीडियो लेसन। अब जम्मू और कश्मीर में
पिछले एक और डेढ़ महीने से जो कंडीशन चल रही है उसके कारण सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो वहाँ के बच्चों का नुकसान हो रहा है, वहाँ के स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। बिकॉज इस पूरे माहौल में इस एक तो ऑलरेडी वहाँ पर सिक्योरिटी के काफ़ी कंसर्न होते हैं, उसके बाद जब ये पूरा कर्फ्यू लगाया गया है एक महीने से डेढ़ महीने तक, इस पूरे माहौल में बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है और ये पूरा टाइम वेस्ट होने के कारण जो एक तरह से जनरेशन है उस पर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कश्मीर में स्कूलों ने वीडियो लेसन देना शुरू किया है। वीडियो लेसन के लिए पेरेंट्स को बोला गया है कि वो स्कूल में आएँ और अपनी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लेके आएँ और वीडियो लेसन वो लेके जाएँ और अब बच्चों को घर पे ये वीडियो लेसन दिखाए जाएँ सो दैट बच्चे उन लेसन्स को देखकर सेल्फ स्टडी कर सकें और जितने भी टाइम कर्फ्यू की कंडीशन बन रही है या सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो रही है उतने टाइम में बच्चों की पढ़ाई का लॉस ना हो, इसलिए ये कदम उठाया गया। ये एक पॉजिटिव स्टेप और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है बिकॉज कभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन जो भी होती हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं वहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान वहाँ के बच्चों का होता है, चाहे हम कश्मीर की बात करें या दुनिया में दूसरे कंट्रीज़ में जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में जब भी लड़ाइयाँ होती हैं सालों साल चलती रहती हैं वहाँ पर भी सबसे बड़ा लॉस बच्चों का होता है। और अगर बच्चों का लॉस होता है तो एक तरह से उस कंट्री के फ्यूचर का वो लॉस माना जा सकता है। तो इसी कारण से बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स को जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट बचाने के लिए जो मुहिम शुरू की गई है, ये जो पहल शुरू की गई है स्कूल के द्वारा, ये बहुत बढ़िया बहुत अच्छी पहल है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को पार्टिसिपेट करना चाहिए सो दैट बच्चे एटलीस्ट घर पे सेल्फ लर्निंग से इस टाइम का अच्छे से यूज़ कर पाएँ। और पेरेंट्स का भी ये कंसर्न रहता है कि बच्चों को इतने टाइम में अगर वो खाली रहेंगे तो ये जो लर्निंग एज है लर्निंग फेज़ है ये एक तरह से वेस्ट ही मानी जाएगी। तो वीडियो लेसन अगर उन्हें दिखाया जाए, अगर वो घर पे भी पढ़ेंगे तो उनके फ्यूचर को एक अच्छे डायरेक्शन में मूव कराया जा सकता है। और जैसे ही कंडीशन नॉर्मल होती हैं बाकी उसके फर्दर स्टडीज़ के लिए स्कूल तो हैं ही, तो ये एक मुहिम है जिसको बाकी स्कूलों के द्वारा भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए और अपनाया जाना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पर बात की गई है एनआरसी के बारे में। सिविल सोसाइटी ग्रुप होल्ड पीपुल्स ट्राइब्यूनल ऑन एनआरसी। अब एनआरसी नेशनल रेजिडेंट एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है जो असम में अभी कंप्लीट की गई है। यहाँ पर फॉरेन ट्राइब्यूनल्स की तर्ज पे पीपल्स ट्राइब्यूनल भी इस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ के जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं सोशल वर्कर्स हैं उनके द्वारा सो दैट जो लोगों की एक्चुअल कंडीशंस हैं उनको समझा जाए और उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाए। अब यहाँ पर एनआरसी का अभी फाइनल जो लिस्ट है वो 31 अगस्त को रिलीज़ किया गया है। एनआरसी के बारे में हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है जो कि एक रजिस्टर है जिसमें असम और इंडिया के ऑल जेन्युइन सिटीजन्स का नाम है जो कि असम में रह रहे हैं। इसको पहली बार प्रिपेयर किया गया था 1951 में सेंसस ऑफ इंडिया के बाद, और उसके बाद इसको अपडेट करने की जो प्रोसेस है उसके लिए 2003 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास किया गया और सुप्रीम कोर्ट के सुपरविज़न में ये पूरी प्रोसेस की जा रही है। अब एनआरसी में शामिल होने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वहाँ के लोगों के लिए, वो क्राइटेरिया है कि या तो लोगों के नाम 1951 के रजिस्टर में होने चाहिए जो पहली बार एनआरसी की गई थी, या फिर 24 मार्च 1971 तक जो भी इलेक्टोरल रोल्स बने हैं उनमें किसी ना किसी रोल्स में उन लोगों के नाम होने चाहिए या फिर उनके फोर फादर्स के नाम होने चाहिए और उसी के बाद ही लोगों को जेन्युइन सिटीजन्स माना जाएगा, असम का नागरिक माना जाएगा। ये जो 24 मार्च 1971 की डेट रखी गई थी ये असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग रखी गई थी। असम अकॉर्ड 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा असम गवर्नमेंट और असम के एक ग्रुप के साथ साइन की गई थी और इस अकॉर्ड को साइन करने का टारगेट था कि असम में जो इन्फिल्ट्रेशन या इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है जो बांग्लादेश से काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा एक तरह से आना हुआ असम स्टेट में 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान, और उस कारण से जो पॉपुलेशन है असम की काफ़ी बढ़ गई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए असम अकॉर्ड 1985 में साइन किया गया था। और उस अकॉर्ड में 24 मार्च 1971
को कट ऑफ डेट माना गया था, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया है कि 1951 से 24 मार्च 1971 के भी जितने भी इलेक्टोरल रोल्स हैं उसमें किसी में भी अगर लोगों का नाम होगा उन लोगों को जेन्युइन सिटीजन्स माना जाएगा। अब ये जो पूरी प्रोसेस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में चल रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए जिनका नाम था प्रतीक हजेला, उनके ही कोऑर्डिनेशन में ये सारी प्रोसेस हुई है। अब 2018 में कुछ ड्राफ्ट आए थे, 2019 में अब 31 मार्च को फाइनल ड्राफ्ट आया जिसमें ये बात सामने आई कि करीब 19 लाख लोग इस लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी 19 लाख लोग इमिग्रेंट्स हो सकते हैं जो बांग्लादेश से आए हुए माने जा सकते हैं, जो 3.3 करोड़ एप्लीकेंट्स में से 19 लाख लोगों को इमिग्रेंट्स माना जा सकता है। बट यहाँ पर ये जो कंडीशन है अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, बिकॉज 19 लाख लोगों को 120 दिन का टाइम दिया गया है। इस टाइम ड्यूरेशन में वो लोग फॉरेन ट्राइब्यूनल जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है वहाँ पर अपील कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद अगर फॉरेन ट्राइब्यूनल्स भी डिनाई कर देता है उनकी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को, तो उसके बाद वो हाईकोर्ट में भी अपील कर सकते हैं और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो इतना 6 महीने से साल भर का टाइम और लगेगा इन 19 लाख लोगों में, हो सकता है कुछ लोग इंक्लूड भी हों। और अगर रीवेरिफिकेशन की प्रोसेस जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, रीवेरिफिकेशन क्या प्रोसेस है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ये डिमांड कर रहे हैं कि जो असम में एनआरसी की लिस्ट फाइनल रिलीज की गई है 31 अगस्त को, वो हो सकता है एरर फ्री हो, तो उसको दोबारा से रीवेरीफाई करवाया जाए, क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ जेन्युइन सिटीजन जो नहीं है वो भी ऐसी लिस्ट में आ गए हैं। तो अगर रीवेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है तो कुछ लोग और कम हो जाने वाले हैं, यानी कि एक्सक्लूडेड लिस्ट में ये क्वांटिटी बढ़ जाने वाली है, और इस कारण से एक बड़ा जो ह्यूमन राइट्स का ह्यूमन क्राइसिस की कंडीशन बन सकती है अगर ये प्रोसेस हुई तो। अभी इन लोगों का फ्यूचर क्या होने वाला है वो क्लियर नहीं है, ये पूरी अपील की जो प्रोसेस है फॉरेन ट्राइब्यूनल में, हाईकोर्ट में, सिविल और सुप्रीम कोर्ट में, ये पूरी प्रोसेस फॉलो की जाएगी और उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि इन लोगों का फ्यूचर किस तरह से रहने वाला है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन लोगों को कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, इनको इंडिया में रहने के लिए अलाउ किया जाएगा और किस तरह से इनको सेटल किया जाएगा। बिकॉज बांग्लादेश की तरफ से ये पूरी तरीके से मना कर दिया गया है, उन लोगों के द्वारा ये बोल दिया गया है कि इन लोगों को बांग्लादेश में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो किस तरह से ये पूरी प्रॉब्लम डील की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ये आगे देखने वाली बात होगी। अब नेक्स्ट न्यूज़ है AFSPA के बारे में। AFSPA और AFSPA एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ इन असम। असम में AFSPA कानून को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है आर्म फोर्स्ड स्पेशल पावर्स एक्ट। इसको 6 महीने के लिए अभी अगस्त 28 से एक्सटेंड कर दिया गया है असम में, अभी की कंडीशन को देखते हुए। अब ये जो एक्ट है ये स्पेशल पावर देता है सिक्योरिटी फोर्सेस को टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरिया। अगर कोई डिस्टर्ब एरिया है तो उस डिस्टर्ब एरिया को शांत करने के लिए, वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर दी जाती है इस एक्ट के द्वारा। इसको पहली बार लाया गया था असम में 1990 से, और अब 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये जो एक्ट है ये सेक्शन 3 ऑफ AFSPA एक्ट के द्वारा लगाया जाता है, और सेक्शन 3 के तहत डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उस डिस्टर्ब एरिया में पुलिस के पास या सिक्योरिटी फोर्सेस के पास एक्सेस पावर दी जाती है। अब अफ्सपा के बारे में देख लेते हैं कि कानून आया था 1958 में, पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो स्पेशल पावर देता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरिया। अब डिस्टर्ब एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976, डिस्टर्ब एरिया के लिए ही अलग से एक कानून है 1976 का। उस कानून में ऐसा कहा गया है कि अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया कहा गया है तो वो 3 महीने के लिए डिस्टर्ब ही रहने वाला है, यानी कि 3 महीने के लिए अगर इस पर AFSPA कानून लागू किया जाता है तो वो एज सच चलता रहेगा। अब ये जो अफ्सपा एक्ट है ये किन किन स्टेट में है अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से स्टेट्स में है, ये है अभी असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, मणिपुर में पार्सल तरीके से पूरी तरीके से नहीं है, इसके अलावा कुछ एरिया में है आंध्र प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। तो जो स्टेट्स हैं असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, ये 5 स्टेट्स में अभी
AFSPA एक्ट लगा हुआ है, इसमें मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पूरी तरीके से नहीं है, केवल कुछ एरियाज़ में ही हैं। और इस एक्ट का क्रिटिसिज्म ये रहता है कि इसके कारण काफ़ी सारे ह्यूमन राइट वॉयलेशन भी पॉसिबल हैं आर्म फोर्सेस के द्वारा, और जिस कारण से लोगों के द्वारा इस एक्ट का विरोध किया जाता है, काफ़ी बार इसको रिपील करने की भी बात की गई है, बट इन कुछ जो डिस्टर्ब एरिया ज़्यादा हैं वहाँ पर इनको लगाया जाता है। तो असम में ये 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली AFSPA एक्ट को किस स्टेट के द्वारा 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया, तो इसका आंसर होगा असम। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की गई है पेंगोलियन के बारे में, पेंगोलियन को स्मगल करने की बारे में ये आर्टिकल दिया गया है, इसमें स्मगलर्स को पकड़ा गया है। और पेंगोलियन इम्पॉर्टेंट है हमारे एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पेंगोलियन क्या होता है? पेंगोलियन एक स्केली मैमल है जिसके सर स्किन पे स्केल्स होते हैं, और इस ये ओनली मैमल है जिसके स्किन पे स्केल्स होते हैं। स्केल्स क्या होते हैं? एक हार्ड सरफेस होती है जो पूरी बॉडी पे होते हैं पेंगोलियन के। ये नॉर्मली ट्रीज़ में रहते हैं या बरोज में रहते हैं, और नॉर्मली ये फॉरेस्टेड एरिया में ही पाए जाते हैं। ये नॉक्टरल होते हैं और नॉर्मली आंट या टर्माइट खाते हैं, यानी कि ज़्यादातर ये चींटियाँ खाते हैं, और एक लंबी टंग होती है इनकी जिससे ये नॉर्मली चींटियाँ खाते हैं। पेंगोलियन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चैलेंज है इनके लिए, वो पोचिंग का चैलेंज है। पोचिंग की जाती है इन पेंगोलियंस की मीट और इनके स्केल्स के लिए, और काफ़ी समय में मेनली चाइना में मेडिसिन बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है, इसलिए चाइना में बहुत बड़े लेवल पर इनकी पोचिंग होती है, इंडिया से भी ज़्यादा। डिफॉरेस्टेशन जो फॉरेस्ट का किया जाता है उसके कारण भी पेंगोलियन का नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो रहे हैं, और इनके लिए ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। और पेंगोलियन को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक्ड मैमल माना जाता है। तो पेंगोलियन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किया जाने वाला, स्मगल किया जाने वाला मैमल है। तो ये बात हो गई पेंगोलियन के बारे में। यूरेनियम कॉरपोरेशन अर्ज्ड टू स्टॉप माइनिंग एक्टिविटी इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अभी रिसेंटली एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई है जो रेडियो एक्टिविटी को चेक करेगी। ये रेडियो एक्टिविटी कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में जो यूरेनियम माइनिंग की जाती है यूरेनियम कॉरपोरेशन के द्वारा, उसके कारण नियर बाय एरिया में वाटर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है, और लोकल लोगों के द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो करने के बाद ये मामला सामने आया कि वहाँ की पानी में और ग्राउंड वाटर में और वहाँ की ग्राउंड में यूरेनियम कंटामिनेशन बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया है। तो इस कारण से ये एक्सपर्ट कमेटी आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बनाई गई है। ये 9 मेंबर की कमेटी है जो पूरी तरीके स्टडी करेगी कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में किस लेवल पे ये यूरेनियम माइनिंग हो रही है और किस लेवल पे ये कंटामिनेट कर रही है ग्राउंड वाटर को, और इस कारण से जो बायोडाइवर्सिटी है इस रीजन की वो बड़े लेवल पर ख़राब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। और इस एरिया में जहाँ पर यूरेनियम माइनिंग की जाती है वहाँ पर चेंचू ट्राइबल्स लोग रहते हैं। चेंचू ट्राइबल्स एक ट्राइबल्स कम्युनिटी है जो आंध्र प्रदेश के इस एरिया में रिसाइड करती है, और यूरेनियम माइनिंग की वजह से इनकी जो लाइफ है उस पर भी, इनकी दिनचर्या पर भी काफ़ी बड़े लेवल पर प्रभाव पड़ सकता है, फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, चेंचू आदिवासी या चेंचू ट्राइबल्स लोग आंध्र प्रदेश में कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहाँ पर यूरेनियम माइनिंग की प्रॉब्लम सामने आई है। और यूरेनियम कॉरपोरेशन की बात हो रही है तो यूरेनियम कॉरपोरेशन के बारे में देख लेते हैं। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सेंट्रली ओन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम करती है। मेनली ये यूरेनियम माइनिंग और यूरेनियम प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम करती है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट में। जो फर्म है ये मेनली ऑपरेट किन किन एरिया में करती है? जादूगुड़ा, भतीन, नवा पहाड़, तुरामधी, बंधु, हुरांग, इन एरियाज़ में ये यूरेनियम माइनिंग का मेन काम किया जाता है। तो झारखंड का एरिया और आंध्र प्रदेश के एरिया में भी अंडरग्राउंड माइनिंग के प्रेजेंस के कारण यहाँ पर यूरेनियम की माइनिंग की जाती है।
यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा मेघालय में भी यूरेनियम के रिजर्व है, वहाँ पर भी यूरेनियम माइनिंग की जाती है। तो मेन जो एरिया है यूरेनियम माइनिंग के इंडिया में, झारखंड के एरिया है जो हमने अभी देखा, इसके अलावा आंध्र प्रदेश है और मेघालय है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर एक ये जो पिक दे रखी है कम्युनल हार्मनिंग के बारे में, ये कर्नाटका के ओल्ड हुबली सिटी की पिक है। यहाँ पर लॉर्ड गणेश की जो पूजा आराधना है, वर्शिप है, और मुहर्रम का जो सेलिब्रेशन है एक ही पंडाल के अंदर किया जा रहा है। तो एक तरह से कम्युनल हार्मनी को मेंटेन और प्रोपोगेट करने के लिए, कम्युनल हार्मनी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल के तौर पर देखी जा सकती है। एक ही पंडाल में गणेश पूजा भी की जा रही है और मुहर्रम भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है गगनयान के बारे में। गगनयान के बारे में ये बता रखा है यहाँ पर इस आर्टिकल में भी कि चंद्रयान 2 का जो अभी ये प्रॉब्लम देखने को मिला है और पूरी तरीके से जो सक्सेसफुल नहीं हुआ है मिशन, इसका बाकी मिशंस जो इसरो के द्वारा प्लान किए गए हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और बाकी मिशन अपने टाइम पे ही किए जाएंगे। इसी की तरह गगनयान का जो शेड्यूल है टू बी लॉन्च्ड इन 2022, उसी टाइम पे इसे लॉन्च किया जाने वाला है। गगनयान इंडिया का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होने वाला है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पहली बार 15 अगस्त 2018 के दिन इसको अनाउंस किया गया और उसके बाद से ही इसरो इस काम में लग गया है। तो इंडिया का पहला मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान, और इसमें ट्रेनिंग जिनको दी जाने है, ऐसे साइंटिस्ट को ट्रेनिंग का काम ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका है। अब अगली न्यूज़ है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा साउथ कोरिया विजिट किया गया और विजिट के लास्ट दिन उन्होंने डीमिलिटराइज जोन को भी विजिट किया। डीमिलिटराइज जोन वो जोन है जहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर माना जाता है, और इस एरिया में दोनों कंट्री के द्वारा डीमिलिटराइज किया गया, यानी कि कोई भी कंट्री यहाँ पर मिलिट्री नहीं रखती। और ये एक तरह से एक प्रयास था, एक कोशिश थी कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वॉर पहले चल रही थी, उस वॉर को रोकने का काम किया जाए। तो रिसेंटली कुछ टाइम पहले नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है किम जोंग उन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन के द्वारा यहाँ पर मुलाकात की गई, और जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच का टेंशन है उसको कम करने के लिए बातचीत की गई। तो यहाँ पर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा भी डीमिलिट्राइज जोन का विजिट किया गया। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, डीमिलिट्राइज जोन कौन सी कंट्री के बीच मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक और नाम से जाना जाता है, और वो है 38 पैरेलल नॉर्थ। ये डिवाइड करता है कोरियर पेनिनसुला को ऑलमोस्ट मिड पॉइंट से, इसी कारण से 38 पैरेलल को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बाउंड्री मानी जाती है, और डीमिलिटराइज जोन भी बोला जाता है इसी बाउंड्री को। तो किसी भी तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काबुल वेलकम्स US एश्योरेंस ऑन तालिबान। यहाँ पर तालिबान और USA के बीच जो डिफेंस और पीस डील चल रही है, वो डील अभी प्रॉपर फाइनल नहीं हुई है, फाइनल होने ही वाली है, बट तालिबान के द्वारा इस पीस डील के बावजूद लगातार वायलेंट अटैक्स किए जा रहे हैं अलग अलग सिटीज़ में और अलग अलग लोकेशंस पे, और इवन अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में भी सेवरल अटैक्स किए गए पिछले कुछ समय में। तो यहाँ पर इन सारे मुद्दों को देखते हुए यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला है कि जो भी तालिबान ने सोच रखा है डील के बारे में, वो डील अगर अफगानिस्तान और वहाँ के लोगों के लिए गुड डील नहीं होगी, अच्छी डील नहीं होगी, तो यूएसए उसको सपोर्ट नहीं करने वाला, और इसी बात को सपोर्ट किया गया है अफगानिस्तान की लीडरशिप के द्वारा। तो ये डील अब किस तरह से अफगानिस्तान के फ्यूचर को अच्छा करने वाली है या फिर इसके फ्यूचर को और बेकार करेगी, ये डील के फाइनल होने के बाद ही समझ में आएगा किन टर्म्स में डील की गई है। बट अभी के लिए ये क्लियर है कि तालिबान जब तक वायलेंट अटैक्स करना नहीं छोड़ता, तो अफगानिस्तान के लोगों के लिए वो अच्छी डील नहीं मानी जा सकती। यहाँ पर एक नेक्स्ट न्यूज़ है, जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगावे, इनकी डेथ हो गई है। जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगावे, ये काफ़ी लंबे समय से जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट थे और काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने दिया, लंबे समय से इन्होंने रूल किया जिम्बाब्वे को। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट है जिन्होंने
काफ़ी लंबे टाइम तक रूल किया और जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है उनका क्या नाम है? तो आंसर होगा रॉबर्ट मुगावे, जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट। अगली न्यूज़ है पैनल सेटअप टू आइडेंटिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर 100 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर में नए मीजर्स अडॉप्ट किए जाने की बात की गई थी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसको हेड करेंगे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। और इस टास्क फोर्स का काम होगा कि एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्लान पूरा ड्रॉ किया जाए करीब 100 लाख करोड़ का। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बात सामने आई है। ये टास्क फोर्स मेनली सेक्रेटरीज़ की रहने वाली है, अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज़ होंगे, अलग अलग मिनिस्ट्री से सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, नीति आयोग के सीईओ होंगे इसमें। और टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल वायबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की क्या है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इंडिया का जो मिशन और टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का 2024 और 25 तक, उस टारगेट को पूरा करने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। और इस टास्क फोर्स का मेन काम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेज करना होगा और उनको जल्दी से जल्दी स्पीडी वे में कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी इस टास्क फोर्स के द्वारा। तो इसको हेड कौन करने वाला है? टास्क फोर्स हेड करेंगे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का पूरा जो प्लान है वो रेडी किया जाएगा इस टास्क फोर्स के द्वारा। अब बात करते हैं FAQ पेजेस में जो न्यूज़ है और आर्टिकल्स हैं, हाउ विल मर्जर अफेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक के मर्जर्स के बारे में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया उसके बारे में ये आर्टिकल है। किस तरह से ये मर्जर फ़ायदा देगा कंट्री को या नहीं देगा उसके बारे में ये पूरी जो बात है इस आर्टिकल में की गई है। अब जो पूरी टाइमलाइन है वो देख लेते हैं। 10 बैंकों को मर्ज किया जाएगा ऐसा अनाउंसमेंट किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और इस मर्जर के बाद जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, वो टोटल 27 बैंकों की जो संख्या थी 2017 में, अब 12 पे ये संख्या पहुंच जाने वाली है। और जो मर्जर किया जाएगा किन किन बैंकों के का किया जाएगा, ये बैंक होंगे पंजाब नेशनल बैंक, इसको मिलाया जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ। कैनरा बैंक को मर्ज किया जाएगा सिंडिकेट बैंक से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया जाएगा आंध्रा बैंक से और कॉरपोरेशन बैंक से, और इसके साथ ही साथ इंडिया बैंक को मर्ज किया जाएगा इलाहाबाद बैंक से। तो ये जो मर्जर है इनके बाद बैंकों की संख्या 12 पे पहुंच जाने वाली है। इसके अलावा बैंकों में 55,000 करोड़ का जो कैपिटल इन्फ्यूज़न है उसको तेज कर दिया गया है ताकि जो लोन देने की जो कैपेसिटी है बैंक की वो बढ़े। अब पिछले कुछ दिनों में, पिछले एक साल में अगर हम देखें, 1-1.5 साल में पहले भी मर्जर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए हैं। अगर 2017 की बात करें तो SBI बैंक में 5 उसकी एसोसिएट बैंक्स का मर्जर किया गया और भारतीय महिला बैंक का मर्जर किया गया। उसके बाद 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों को मर्ज किया गया, विजया बैंक और देना बैंक। और अब ये 10 बैंकों पे ये पूरी संख्या पहुंचने वाली है इन बैंकों के मर्जर के बाद। अब ये जो मर्जर है वो कितना कुछ फ़ायदा देने वाला है, मर्जर की जो प्रोसेस होती है सिंपल, दो बिजनेस एंटिटी को मिलाने की प्रोसेस की कहलाती है। और इसमें ओनरशिप का डिफरेंस किसी भी बैंक में नहीं आने वाला, बिकॉज अल्टीमेट जो ओनरशिप है इस मर्जर के बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही रहेगी। नॉर्मली जो एक्विजिशन होता है, मर्जर होता है प्राइवेट सेक्टर में, उनमें जिस कंपनी के जो स्टेक होते हैं वो ज़्यादा होते हैं वही ओनर माना जाता है। बट इस मर्जर के केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दोनों बैंकों पे या तीनों बैंकों पे अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। इस कारण से ये मर्जर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही ओनरशिप के अंतर्गत होने वाला है। अब काफ़ी रीज़न बताए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा क्या रीज़न हो सकते हैं और क्यों मर्जर ये किया गया है। तो रीज़न है, पहला रीज़न है जो भी बड़े बैंक होते हैं उनकी लेंडिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा पैसा लेंड कर सकते हैं जिससे कि जो स्लो इकॉनमी है उसको तेज किया जा सके, रिवाइव किया जा सके। दूसरा रीज़न है जो क्रेडिट ग्रोथ अगर बढ़ेगा, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लेंड करेंगे
तो उससे इंडिया का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उसको पूरा किया जा सकेगा आगे आने वाले कुछ सालों में, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। ये रीज़न दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा बैंकों की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी, बिकॉज मर्जर के बाद उनके जो कॉस्ट हैं वो कम होंगे, हो जाने वाले हैं, कॉस्ट कम होंगे तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। और इससे जो लोअर लैंडिंग रेट्स की जो जिसके लिए काफ़ी काम किया जा रहा था रिज़र्व बैंक के द्वारा, तो वो लैंडिंग रेट भी कम होने की संभावना है। तो ये क्या क्या रीज़न हो गए? पहला है कि लैंडिंग एबिलिटी बढ़ेगी बैंकों की, जिससे स्लोइंग इकॉनमी तेज़ हो सकती है। दूसरा है क्रेडिट ग्रोथ से इकॉनमी की जो फाइव ट्रिलियन डॉलर का जो सपना है इंडिया का वो पूरा हो सकता है। ऑपरेशनल इफ़िशेंसी बढ़ेगी बिकॉज बैंकों के जो कॉस्ट हैं वो कम होंगे। और चौथा है लैंडिंग रेट भी कम होने की संभावना है। इन रीज़न को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है वो डिसीज़न लिया गया। अब बैंक मर्ज करने के बाद सही में स्ट्रांग होंगे या नहीं होंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जिन बैंकों को कंबाइन किया जा रहा है या मर्ज किया जा रहा है उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट है। बिकॉज अगर इंडिया बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बैंक माने जा सकते हैं, और इनको अगर वीक बैंक के साथ मिलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इन बैंकों की ऑपरेशनल इफ़िशेंसी पे भी फ़र्क पड़ने वाला है। इन बैंकों की ऑपरेशनल इफ़िशेंसी भी कम होगी। और मर्जर के बाद ऐसा देखा भी गया है कि जो नॉर्मली जो स्ट्रांग बैंक है उनके जो उनमें जो ट्रेडिंग होती थी स्टॉक मार्केट में वो काफ़ी लेवल पे कम हो गई आफ्टर मर्जर डिसीज़न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मर्जर डिसीज़न अनाउंस किया गया इंडियन बैंक के जो स्टॉक्स प्राइजेस थे काफ़ी लो पे पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के द्वारा भी ये जो मर्जर की प्रोसेस है ये वेलकम नहीं की गई है। और इन्वेस्टर का भी मानना है कि अगर स्ट्रांग बैंक को वीक बैंक से मिलाया जाएगा तो ये वीक बैंक के लिए तो थोड़ा सा बेटर माना जा सकता है, बट स्ट्रांग जो बैंक है, जो बड़ा बैंक है, स्ट्रॉन्गर बैंक है, उसकी इफ़िशेंसी को निगेटिव वे में इम्पैक्ट कर सकता है ये प्रोसेस। और मर्जर के कारण इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को नहीं मिले हैं। तो इस कारण से ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि ऑपरेशनल इफ़िशेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी इस मर्जर के बाद। अब प्राइवेट सेक्टर में जो भी मर्जर होते हैं वो प्रॉफिट बेसिस पे होते हैं, यानी कि मर्ज एंटिटी को किस लेवल पे प्रॉफिट हो रहा है ये देखा जाता है। बट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नहीं देखा गया ये कुछ क्रिटिक्स का कहना है, और इस कारण से ऑपरेशनल इफ़िशेंसी पे फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा जो बैंकों के जॉब्स का इशू है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ऐसा बोला गया कि जॉब्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो बेसिक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट बैंक्स का वो प्रॉब्लम है ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का होना। ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के होने के कारण भी इफ़िशेंसी काफ़ी कम होती है, और जो मैनेजमेंट होता है एम्प्लॉयज़ का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो जो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, जो ओवर एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई, केवल जो पॉलिटिकल जो डायमेंशन है उन्हीं को देखते हुए ये मर्जर अनाउंस किया गया। और ओवर एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कोई डिसीज़न नहीं लिए गए। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है उसको भी इम्प्रूव और रिफॉर्म करने के लिए जो काम करना था वो नहीं किया गया, जिस कारण से जो रीज़न गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं उन रीज़न को देखते हुए इस रिफॉर्म के जो टारगेट हैं वो पूरा होना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अब मर्जर अगर हम हेल्दी बैंक से करें तो वो वीक बैंक की कंडीशन को उभार देगा, और ओवरऑल जो अल्टीमेट बैंक निकल के सामने आएगा वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बैंक बनेगा ऐसा नहीं देखने को मिल सकता। और अगर बैंक की इफ़िशेंसी जो मर्जर के बाद कम बैंक बनने वाले हैं या कम बैंक होंगे और बड़े बैंक हो गए, अगर उनकी इफ़िशेंसी कम होती है तो ये बैंकिंग सिस्टम के ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की इफ़िशेंसी पे भी प्रभाव डाल सकता है। मर्जर ऑफ द बैंक विल लीड टू डिक्रीज इन एब्सोल्यूट साइज ऑफ बैंक बेड, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज यहाँ पर आर्टिकल में बताया जा रहा है कि मर्जर के बाद एनपीए के बारे में किस तरह से कदम उठाए जाएंगे या मर्जर का एनपीए पे क्या इम्पैक्ट होगा ये भी नहीं बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और मर्जर करने से बैड लोन की कंडीशन सुधरने वाली नहीं है, बिकॉज वो जो बैड लोन तभी सुधरेंगे या तो उन बैंकों की रिकवरी, उन बैंक के जो लोन दिए गए बैंकों के द्वारा या तो उनकी रिकवरी हो जाए या उनको
राइट ऑफ कर दिया जाए या बैलेंस शीट से ही हटा दिया जाए। कोई इन दो के काम के अलावा मर्जर करने से जो एनपीए की प्रॉब्लम है, बैड लोन की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होने वाले नहीं हैं। इसी कारण से मर्जर ने जो सीरियस स्ट्रक्चरल इश्यूज थे बैंकों के, उसको एड्रेस नहीं किया। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को देख के ये मर्जर नहीं किया जा रहा है। और इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, जो नॉर्मली पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा स्टेट ओन्ड बैंक्स में अलग अलग टाइम पे, चुनावों के टाइम पे या अलग अलग टाइम पे मैनेजमेंट के साथ इंटरफेरेंस किया जाता है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है एनपीए की प्रॉब्लम का। पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा बैंक बोर्ड को कन्विंस किया जाता है या पॉलिटिकल तरीके से प्रेशराइज किया जाता है, सो दैट नेताओं के जानने वालों को, उनके रिश्तेदारों को या उनके भाई बंधु को ज़्यादा लोन दिया जा सके और कम कोलेट्रल या जो नॉर्मल रूल्स हैं उनको नज़रअंदाज करके, उनको इग्नोर करके पॉलिटिकल लीडर्स अपने रिश्तेदारों को अलग अलग तरीके से लोन दिलवा देते हैं। तो एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है बैंक के मैनेजमेंट पे, उसको कम करने की कोशिश की जानी थी उस, क्योंकि वो एक बैड लोन का एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई काम नहीं किए गए। तो अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पे ये जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं मर्जर, केवल मर्जर होने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है और इंडियन बैंकिंग सिस्टम की जो कोर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किए जाने की ज़रूरत थी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एड्रेस नहीं किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि जो बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट होते हैं उनके द्वारा लोन काफ़ी सारे बैंक मिलकर नॉर्मली देते हैं और ज़रूरी नहीं है इसके लिए एक बड़ा बैंक बनाया जाए, यानी कि बड़ा बैंक बड़े प्रोजेक्ट को लोन करेगा, ये हमेशा सही नहीं होता। जो हिस्ट्री देखी गई है इंडिया में भी और वर्ल्ड ओवर, जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो काफ़ी सारे बैंकों से थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लोन लेके भी प्रोजेक्ट अच्छे से कम्प्लीट किया जा सकता है और ये भी देखने को मिला है। तो ये अगर आर्गू दिया जा रहा है किसी के द्वारा कि बड़ा बैंक होगा तभी बड़े प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज हो सकते हैं सक्सेसफुली, ये बिल्कुल गलत है। छोटे बैंक अगर स्ट्रॉन्ग बनाए जाएं, छोटे बैंक ज़्यादा बनाए जाएं, तो वो सारे बैंक मिलके भी एक बड़े प्रोजेक्ट को अच्छे से टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं और इसके लिए बड़ा बैंक ही होना चाहिए, ये बोला जाना बिल्कुल गलत होगा। तो ये सब जो सारे प्रॉब्लम हैं उनको देखा जाना चाहिए था गवर्नमेंट के द्वारा और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के इशू को सॉर्ट आउट किया जाना था। बट अगर इन इशूज़ को नहीं देखा जाएगा, टाइमली इनको सॉल्व नहीं किया जाएगा, तो केवल मर्जर जो बैंकिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस नहीं कर सकता, एनपीए की प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सकता। दूसरा आर्टिकल है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के बारे में। आप वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को रोल आउट करने का जो फैसला है, अनाउंसमेंट है, वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 2020 के जून महीने में इसको रोल आउट किया जाए। ये स्कीम क्या है, राशन कार्ड क्या होता है, राशन कार्ड के थ्रू जो लोग बीपीएल को बिलोंग करते हैं, बीपीएल कैटेगरी से होते हैं, उनको सस्ते में राशन दिया जाता है। अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें तो इसमें हर एक बेनिफिशियरी एलिजिबल होता है 5 किलो सब्सिडाइज फूड ग्रेन पर मंथ पाने का हकदार होता है। इसमें 3 किलो राइस दिया जाता है, 2 किलो वीट दिया जाता है, 1 किलो कोर सीरियल दिया जाता है। तो ये जो फूड है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया जाता है पीडीएस शॉप से, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप के द्वारा ये राशन कार्ड के बेसिस पे फूड बीपीएल कैटेगरी के लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अब चूंकि अभी तक क्या कंडीशन था, बीपीएल के जो लोग थे वो ये जो फूड है वो केवल एक ही शॉप से खरीद सकते थे, जहाँ पर उनका घर था उसके नियर बाई जो भी पीडीएस शॉप थी वहीं से उनको ये फूड मिल सकता था। और इन केस अगर वो लोग माइग्रेट करते थे दूसरे स्टेट या दूसरी सिटी में जाते थे, तो माइग्रेटेड सिटी में उस राशन कार्ड से ऐसे माइग्रेटेड लोग पीडीएस का जो ये जो बेनिफिट था वो नहीं उठा पाते थे। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए जाने की कोशिश की जा रही है। और अगर कोई पर्सन दूसरे स्टेट या सिटी में माइग्रेट करता है तो उस स्टेट या सिटी में भी वो अपने राशन कार्ड से राशन ले सके और जहां पर वो रह रहा है, जॉब कर रहा है, वहां पर उसको राशन मिल सके किसी भी शॉप से,
इसके लिए ये स्कीम शुरू की जा रही है। इसमें क्या है, आधार कार्ड और को राशन कार्ड से लिंक करने की बात की जा रही है और इसके द्वारा ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू की जाएगी। तो राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये स्कीम है। अब इस स्कीम के फ़ायदे क्या हैं, इस स्कीम का फ़ायदा ये बताया जा रहा है कि ये बड़े लेवल पर करप्शन को टैकल करेगा। दूसरा है जो प्रॉब्लम है, जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं दूसरे लोकेशन पे जाके वो नहीं यूज़ कर पाते थे अपने राशन कार्ड का और सस्ते में फूड सीरियल्स नहीं ले पाते थे, वो भी अब ये सीरियल्स ले सकते हैं और पीडीएस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो मोनोपोली बन गई थी, जैसे कि अगर एक शॉप से कुछ घरों को राशन जाता था तो उसकी मोनोपोली भी ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज अगर उस शॉप के बाद उस पीडीएस की शॉप पे अच्छी क्वालिटी के राशन नहीं है या राशन है ही नहीं, तो उस केस में जो लोग एंटाइटल थे ऐसी शॉप से राशन लेने के उनको राशन नहीं मिलता था या बेकार क्वालिटी का राशन मिलता था, और जो पीडीएस शॉप का ओनर था वो नॉर्मली ये देखा गया था कि वो माल प्रैक्टिस उसके द्वारा की जाती थी, या तो कम राशन दिया जाता था या बेकार क्वालिटी का राशन दिया जाता था या फिर बाकी राशन को बचा के मार्केट में सेल आउट कर दिया जाता था। तो ये जो मोनोपोली बन रखी थी कुछ दुकानों की पीडीएस के इस सिस्टम में, उसको भी तोड़ा जा सकता है और अब किसी भी शॉप से जाकर दूसरे एरिया में लोगों के द्वारा राशन लिया जा सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं जिनको जो लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ निगेटिव पॉइंट भी हैं। वो निगेटिव पॉइंट क्या है, वो निगेटिव पॉइंट है आधार कार्ड से जो राशन कार्ड को लिंक किया जाएगा उस पूरे सिस्टम की अपनी एक अलग निगेटिव बात है। उसके सिस्टम के फेलियर के कारण ऑलरेडी देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, लोगों को टाइमली राशन नहीं मिल पाता है। दूसरा जो पॉइंट ऑफ सेल है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, वो मशीनें हर स्टेट पे हर राशन की शॉप पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। एक तो इतनी बड़ी संख्या में यह मशीनें इंस्टॉल करने की बात की जा रही है, वो ये पूरी प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट की जाएगी। दूसरा, इन मशीनों को कनेक्ट करने के लिए और प्रॉपर तरीके से इंटरनेट की सुविधा देने के लिए हर लोकेशन पर इंटरनेट उपलब्ध भी नहीं है, और इंटरनेट अगर उपलब्ध है तो ये टाइमली पूरी स्पीड भी नहीं आती। तो अगर ई पॉइंट ऑफ सेल मशीनें प्रॉपरली काम नहीं करेंगी तो लोगों का जो टाइम वेस्ट की प्रॉब्लम है या लोगों को राशन देने की लिए ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है, ये कितनी इफ़ेक्टिव होगी। तो किस तरह से ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। और एक अच्छे तरीके से अगर इम्प्लीमेंट हो या ग्रास रूट लेवल पे तो लोगों को बहुत सहूलियत होने वाली है, और इस लिए इस स्कीम को एक बेटर और एक बढ़िया स्कीम बोला जा सकता है अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।